एक 84 साल के बुजुर्ग जिन्हें सरकार UAPA कानून के तहत गिरफ्तार करती है, आज उनकी जेल में मौत हो गई। हम बात कर रहे हैं स्टेन स्वामी की, जिन्हें NIA ने 2018 के भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में शामिल होने और नक्सलियों के साथ संबंध होने के आरोप में गिरफ्तार किया था। फादर स्टेन स्वामी की मौत को मामूली घटना न समझें। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी इसकी गूंज सुनाई पड़ रही है। वह भारत के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे जिन पर आतंकवाद का आरोप लगाया गया था। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में शामिल होने के आरोप में 16 लोगों को जेल भेजा गया, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता, वकील, शिक्षाविद, बुद्धिजीवी शामिल हैं। स्टेन स्वामी भी इन 16 लोगों में शामिल थे। फादर स्टेन स्वामी 1991 में तमिलनाडु से झारखंड आए और आने के बाद से वह आदिवासियों के अधिकारों के लिए काम करते रहे हैं। BBC लिखता है कि नक्सली होने के तमगे के साथ जेलों में सड़ रहे 3000 महिलाओं पुरुषों की रिहाई के लिए वो हाईकोर्ट गए। वो आदिवासियों को उनके अधिकारों की जानकारी देने के लिए दूर दराज के इलाकों में भी गए। फादर स्टेन स्वामी ने आदिवासियों को बताया कि कैसे खदाने, बांध, शहर उनकी सहमति के बिना बनाए जा रहे हैं और कैसे बिना मुआवजे के उनसे जमीनें छीनी जा रही हैं। उन्होंने साल 2018 में अपने संसाधनों और जमीन पर दावा करने वाले आदिवासियों के विद्रोह पर खुलकर सहानुभूति जताई थी। उन्होंने नियमित लेखों के जरिए बताया कि कैसे बड़ी कंपनियां, फैक्ट्रियां और खदानों के लिए आदिवासियों की जमीनें हड़पी जा रही हैं। साफ है कि यह सब सरकार को बहुत दागवारा गुजरा है। मौका मिलते ही उन्हें लपेटे में ले लिया गया। स्टेन स्वामी ना कभी भीमा कोरेगांव गए और ना ही उनकी इस घटना में कोई सहभागिता थी। इसके बावजूद उन्हें 2018 से लगातार जेल में रखा गया। आज ही स्टेन स्वामी की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान स्टेन स्वामी के वकील ने कहा, बड़े भारी मन से कोर्ट को सूचित करना पड़ रहा है कि फादर स्टेन स्वामी का निधन हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।